स्वागत है आपका फैक्ट वेरीफाइड हिंदी की एक और वीडियो में। दोस्तों, हमने स्कूल में कई बार पढ़ा है कि पहिए के आविष्कार ने हमारे दैनिक जीवन के कई कामों को आसान कर दिया है। ये मनुष्य के सबसे पुराने आविष्कारों में से एक है। पत्थर से लेकर लकड़ी और फिर मेटल के पहिए बनाने के बाद आज हम रबर टायर तक पहुँच गए हैं, जो 400 किलोमीटर की रफ्तार से चल रही गाड़ियों को भी संभाल लेते हैं। लेकिन इन टायर्स को बनाना उतना आसान नहीं है जितना दिखता है। इसे बनाने के लिए आपको हजारों चीजों का ध्यान रखना पड़ता है और सैकड़ों तरह की टेक्निक्स का इस्तेमाल किया जाता है। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि आखिर कैसे इन बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज में ये टायर बनाए जाते हैं, तो बने रहिए फैक्ट वेरीफाइड हिंदी की वीडियो के अंत तक। वीडियो शुरू होने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। टायर बनाने से पहले हमें इसके लिए कच्चा सामान इकट्ठा करना होता है। ये रॉ मटेरियल 10 से 15 अलग अलग तरह के होते हैं, जिनमें नेचुरल और सिंथेटिक रबर के अलावा कुछ केमिकल एक्टिविटी और कलर के लिए कार्बन ब्लैक नाम का एक पिगमेंट शामिल किया जाता है। एक बड़ा ब्लाइंडर इन्हें पिघला कर आपस में मिक्स कर देता है, जिसके बाद रोलर्स की मदद से इन्हें रबर की शीट्स में डालकर काट लिया जाता है। ये टायर का सिर्फ एक हिस्सा है। इसके बाद पॉलिएस्टर की शीट को भी रोल करके एक कैलेंडर नाम की मशीन में डाला जाता है, जहां इसके साथ गर्म रबर को मिक्स कर दिया जाता है। इसे रबराइज फैब्रिक शीट्स की शेप से बाहर निकलने के बाद कॉटन स्ट्रिंग्स की मदद से लेस कर दिया जाता है। इस टेक्सटाइल रबर का इस्तेमाल एक टायर के बीच के हिस्से पर किया जाएगा, पर अभी काम खत्म नहीं हुआ। टायर बनाने के लिए कई तरह की रबर बनानी पड़ती है। जैसे अगर आपने टायर का बाहरी हिस्सा देखा हो, जो रोड पर ग्रिप के लिए जिम्मेदार होता है, वो अलग से बनता है। इसे हम ट्रेड कहते हैं। ट्रेडर्स ज्यादा मजबूत होना चाहिए, इसीलिए इसे बनाने के लिए 3 रबर की शीट्स को एक ही डाई में डालकर आपस में मिक्स किया जाता है। इसके बाहर आने के बाद इस पर अलग अलग कलर की स्ट्राइप्स भी पेंट कर दी जाती हैं। जरूरी नहीं है कि ऐसा किया जाए। ये स्ट्राइप्स कुछ कंपनियां लगाती हैं और कुछ नहीं। रबर के टायर अकेले रास्तों का सामना नहीं कर सकता, इसलिए इसे मजबूती देने के लिए इसमें स्टील की वायर का इस्तेमाल होता है। पहले स्टील की वायर्स को एक मशीन उन्हें सही तरह से अरेंज करती है और उसके बाद एक दूसरी मशीन की मदद से इस स्टील को रबर के ऊपर चढ़ा दिया जाता है। आगे फिर इन स्टील वायर्स को कूप की शेप में निकाल कर अलग रख लिया जाता है। अब यहाँ से शुरुआत होती है असल में टायर बनने की। टायर बनाने की शुरुआत होती है इस रोटेटिंग सिलेंडर पर। इसकी खास बात ये है कि यह सिलेंडर सेंटर इन्फ्लेटेड है, यानी कि वक्त आने पर इसे बीच से फुलाया जा सकता है। इस पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले देखते हैं कि टायर की शुरुआत कैसे होती है। सबसे पहले इसे रोटेटिंग सिलेंडर पर एक एयर टाइट सिंथेटिक रबर की परत चढ़ाई जाती है। ये परत टायर के सबसे अंदरूनी भाग का हिस्सा बनती है। पुराने टायर में इस लेयर की जगह पर एयर ट्यूब्स होती थी, लेकिन आजकल उनकी जरूरत नहीं पड़ती। इस परत के चढ़ने के बाद दूसरी स्टेज पर पॉलिएस्टर और रबर की मदद से जो हमने टेक्सटाइल लेयर बनाई थी, इस पर वो चढ़ाई जाती है। एक वर्कर इन्हें सही लेंथ पर काट लेता है। इसके बाद इसके कोने पर टेक्सटाइल रबर की 2 एक्स्ट्रा परत चढ़ाई जाती है। यह टायर की मजबूती के लिए चढ़ा दी जाती है। अब रबर की 2 अलग स्ट्रिप्स को इसके कोने पर फिर से जोड़ा जाता है। इतना होने के बाद अब बारी है हमारे मेटल हुक्स की, जिन्हें हमने होल्ड करके रख दिया था। 2 अलग अलग मेटल ट्यूब्स को इसके कोनों पर लाकर रखा जाता है और फिर ये रोलर इसके साइड की एक्स्ट्रा रबर को इन मेटल हुक्स पर ही फोल्ड कर देती है। ये मेटल ट्यूब्स ही हैं जो आपके टायर को रिम पर मजबूती से टिका कर रखती हैं। इतना होने के बाद हम इसमें फिर से कुछ एक्स्ट्रा स्टील की एक लेयर लगा देते हैं और अब फिर से टेक्सटाइल रबर की एक पूरी शीट इस टायर की मजबूती के लिए इस पर फिर चढ़ा दी जाती है। और टायर को रिम पर फिट करते वक्त ये टूल्स इस्तेमाल होते हैं। इनसे बचने के लिए एक बार फिर इन पर एक रबर की प्रोटेक्टिव लेयर टायर के साइड में लगा देते हैं। इसे जोर जोर से मार कर के अंदर की ट्रैप सारी हवा को बाहर निकाला जाता है, ताकि कोई भी एयर बबल इन में न रह जाए। अब इस पर साइड वॉल एजेंसीज को लगा दिया जाता है, ताकि हमारी अगली फ्लेक्सिबल रबर की लेयर अच्छे से इस पर चिपक जाए। जब टायर बनकर तैयार हो जाएगा, तब ये फ्लेक्सिबल रबर टायर की बाहरी साइड की तरफ आ जाएगी और इसे बाकी तरह के डैमेज से बचा कर रखेगी। अब लेजर की मदद से एक वर्कर सटीक तरीके से इसे काट देता है और रिफ्लेक्ट चिप से जिन पर टायर और उसके बैच के बारे में जानकारी होती है, उन्हें टायर पर लगाने
के बाद टायर को मशीन से निकाल लिया जाता है और इसके साइड को एक टूल की मदद से वापस टायर में ही रैप कर दिया जाता है। इसे भी फिर से उसी ड्रम में रखकर छोड़ दिया जाएगा और फैक्ट्री के दूसरी तरफ टायर के बाहरी हिस्से ट्रेड को बनाने की तैयारी शुरू हो जाती है। ट्रेड को बनाने के लिए एक ड्रम पर मेटल वाली रबर दो शीट्स को एंगल पर एक दूसरे के साथ जोड़ा जाता है, क्योंकि एक टायर का बाहरी हिस्सा है, इसलिए इसके ट्रेल को जंग से बचाने के लिए पहले इस पर एक ग्रास की लेयर भी चढ़ाई जाती है। अब इस परत केसिंग के लिए फिर से एक रबर की शीट चढ़ा दी जाती है और फिर रबर और एडीसी को इसमें ऐड किया जाता है। ट्रेड लेयर के बनने के बाद इसे रोलिंग करते हुए बहुत सटीक ढंग से काट लिया जाता है और अब एक आयरन की मदद से रिकवर कर इसे सील कर देता है। दूसरी तरफ हमने जो टायर छोड़ दिया था, अब उसका ड्रम बीक से फूलने लगता है और ड्रम के साथ एक टायर की शेप भी चेंज हो जाती है। इसे बदल कर अब हमारे बनाए गए ट्रेड को रखा जाता है। ट्रेड के सही से लैस होते ही ड्रम टायर को और फुला देता है और अच्छे से ट्रेड के साथ जोड़ देता है। फिर एक रोलर की मदद से टायर पर प्रेशर डाला जाता है ताकि दोनों हिस्से एक दूसरे के साथ अच्छे से चिपक जाए और उस टायर को यहाँ से निकाल कर एक दूसरी मशीन में डाला जाता है, जिसे क्यूरिंग मोल्ड कहते हैं। इस क्यूरिंग मोल्ड के अंदर कई टायर को 170 डिग्री सेल्सियस की स्टीम से भर देता है, जिसे रबर फैलने लगती है और फैलकर क्यूरिंग मोल्ड में पूरी तरह फैल जाती है। क्यूरिंग मोल्ड में ही टायर को अपनी बाहरी शेप भी मिलती है। साथ ही इस तरह से हीट होने के बाद रबर वल्केनाइज्ड हो जाता है, यानी अब वह कमजोर रबर से इलास्टिक और मजबूत रबर में बदल जाता है। टायर को मोल्ड से बाहर निकालने के बाद अब एक पूरी तरह तैयार टायर मिलता है और बाहर आने के बाद रबर के कुछ एक सत्रह हिस्से को उस पर से काट कर इसे आगे भेज दिया जाता है। तो इस तरह फैक्ट्री में एक टायर बनता है। देखा आपने, एक सिंपल सी चीज बनाने के लिए हम लोगों को कितनी मेहनत करनी पड़ती है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।